हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पाइथन पांडास। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कवर्ड हाउ कैन वी क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट। लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि हमने सीरीज ऑब्जेक्ट है क्या चीज़ एंड डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं जिनके अंदर हम सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ यदि हम आज के एजेंडा की बात करें, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। बट बिफोर दैट एक बार के लिए क्विक रिविजन देखते हैं कि हम सीरीज ऑब्जेक्ट हमारे पास में था क्या। यदि हम पाइथन पांडास के अंदर सीरीज ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इट इज़ द वन डायमेंशनल एरे दैट कंटेन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ओके, देन इसके अंदर इफ वी सी द नंपाई एंड सीरीज ऑब्जेक्ट, देन नंपाई एरे के अंदर आपके पास में जो इंडेक्सेस होती हैं वो ओनली न्यूमेरिक फॉर्मेट में होती हैं, जबकि यहाँ पर सीरीज ऑब्जेक्ट के पास में आप जो इंडेक्सेस हम स्पेसिफाई करते हैं वो आपके पास में डिफरेंट वे के अंदर आप खुद स्पेसिफाई कर सकते हो। डिफरेंट डेटा टाइप्स की हो सकती हैं वो, जैसे नंपाई एरे के अंदर हमेशा इंडेक्स वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड हाउ कैन वी एक्सेस ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। इन सभी एट्रीब्यूट्स को हम वन बाय वन एग्जांपल के साथ में देखेंगे। सो फर्स्टली फॉर दैट टू एक्सेस ऑल दीज एट्रीब्यूट्स आई एम गोइंग टू क्रिएट वन सीरीज ऑब्जेक्ट। फॉर दैट आई एम यूजिंग जुपाइटर। सो जुपाइटर के अंदर एक क्या करते हैं, हम एक सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, उसके बाद में उन सभी को जितने भी हमारे पास में एट्रीब्यूट्स हैं उन सभी को एक्सेस करेंगे। सो टू क्रिएट द सीरीज ऑब्जेक्ट, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने देखा था किस तरह से हमें पहले इंपोर्ट करना होगा एंड इफ यू वांट टू इंपोर्ट numpy देन यू कैन यूज numpy ऑल्सो, बिकॉज इफ यू वांट टू यूज ए रेंज फंक्शन और numpy को यदि यूज में लेना है तो numpy को भी इंपोर्ट कर सकते हो यदि रिक्वायरमेंट है तो। ओके, सो सपोज दैट आई एम यूजिंग एस वन इक्वल टू pd.series यूज में लिया, देन यहाँ पर आपको पता है डेटा आर्ग्यूमेंट हमारे पास में होता है। सो मैं यहाँ पर डेटा आर्ग्यूमेंट के बिना सीधा डायरेक्टली लिस्ट यूज में ले रहा हूँ और मैं एक एस वन डेटा यूज में ले रहा हूँ जिसके अंदर मेरे को क्लासेस की स्ट्रेंथ स्पेसिफाई करनी है। ओके, सो 50, 45, 35 स्पेसिफाई कर दिया एंड सपोज मैंने स्पेसिफाई कर दिया 46। दीज आर द स्ट्रेंथ फॉर द फोर क्लासेस। सो फॉर दैट टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर क्लास आई एम यूजिंग इंडेक्सिंग। ओके, इंडेक्स यूज में लिया एंड इंडेक्स में मैंने स्पेसिफाई कर दिया 12A, 12B। दीज आर द इंडेक्स वैल्यूज। ओके, सो ये आपकी इंडेक्स वैल्यूज हो जाएंगी इन सभी डेटा के लिए। ये कैसे क्रिएट कर रहे हैं ये तो हम पहले ही वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। यदि मैं करता हूँ प्रिंट एस वन, देन इट विल डिस्प्ले द डेटा विद देयर इंडेक्सिंग। ओके, सो ये कैसे क्रिएट हुई है, अब इसके बारे में तो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो एक बार के लिए प्रीवियस वीडियो वापस से देख लीजिए। हम बात करने वाले हैं ये जो आपके पास में सीरीज ऑब्जेक्ट एस वन क्रिएट हुआ है इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं और इन एट्रीब्यूट्स को हम किस तरह से यूज में ले सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो देखिए इस सीरीज, जब भी हमारे पास में कोई सीरीज ऑब्जेक्ट होता है तो यदि हम इस सीरीज ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस सीरीज ऑब्जेक्ट के पास में दो चीज़ें हमेशा रहेंगी हमारे पास में। वन इज़ द डेटा। सो सपोज हमने जो डेटा लिया है वो है 50, 45, देन 40 कर दिया एंड सपोज है 35 कर दिया। दीज आर द डेटा एंड ये तो क्या हो गया आपका, ये तो आपकी वैल्यूज हो गई। ये सारी क्या हैं, ये सभी आपकी वैल्यू हो गई किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। जो आपने एस वन नेम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, पांडा सीरीज क्रिएट किया है, ये उसकी वैल्यूज होगी। अब यदि हम इसकी इंडेक्स वैल्यूज की बात करें तो इसमें इंडेक्स वैल्यूज कौन कौन सी हमने लिया है, 12A हमने लिया है, 12B हमने लिया, 12C हमने लिया है और 12D। ये सभी क्या हो गई, दीज आर द इंडेक्स वैल्यू। ओके,
तो ये हमने एक एस वन नेम से सीरीज ऑब्जेक्ट लिया है। अब यदि आपने किया प्रिंट एस वन तो ये क्या करेगा, इस सीरीज ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कर देगा, आपका डेटा इस वे में दिखाई देगा जैसे अभी आपके सामने अपीयर हो रहा था। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि इसके पास में एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। फॉर दैट सी द फर्स्ट वन इज द इंडेक्स। इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या करेगा, हमारे पास में इस ऑब्जेक्ट में यदि मैं यहाँ बात करें इंडेक्सिंग कौन कौन सी थी हमारे पास में, इसमें इसमें हमारे पास में था 12th ए, 12th बी, 12th सी और 12th डी। ये सभी क्या हैं, ऑल दीज आर द इंडेक्स वैल्यू। इफ़ यू वांट टू एक्सेस ऑल दीज इंडेक्सिंग देन वी यूज इंडेक्स। ठीक है, अब यदि आपको सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, एक साथ सारी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम यूज़ में लेते हैं वैल्यूज़। और जब भी आपको सॉरी जब भी आपको पर्टिकुलर किसी भी एट्रीब्यूट को यूज में लेना है तो हम क्या करेंगे, आपको करना होगा सीरीज ऑब्जेक्ट, जैसे आपके पास में एस वन डॉट, आपको स्पेसिफाई करना है इंडेक्स, केवल इतना स्पेसिफाई करना है। ये स्टेटमेंट क्या करेगा, इट विल डिस्प्ले ऑल द इंडेक्स वैल्यूज ऑफ अ ऑब्जेक्ट एस वन। एस वन का ऑब्जेक्ट है, उसमें जो सीरीज ऑब्जेक्ट है उसकी जो भी इंडेक्सिंग है उनको डिस्प्ले कर देगा। यदि आपको सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करना है तो आप करोगे एस वन डॉट वैल्यूज। सो इनका जो नेम है वो ही इनका टास्क है, राइट? प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो इन प्लेस ऑफ एस वन आई एम यूजिंग एस वन डॉट इंडेक्स। ये हमारा स्लाइड के अंदर सबसे पहली एट्रीब्यूट है, तो हमने किया एस वन डॉट इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, एस वन की इंडेक्सिंग को डिस्प्ले करेगा। एस वन के पास में आपने क्या इंडेक्स यूज में लिया हुआ है, हमने लिया हुआ है 12th ए बी सी डी। सो इसने 12th ए बी सी डी डिस्प्ले कर दिया, राइट? आपके एमसीक्यू के अंदर ये चीज आ सकती है, हाउ कैन वी एक्सेस द इंडेक्स वैल्यूज, ऑल द इंडेक्स वैल्यूज ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट, विच एट्रीब्यूट वी कैन यूज टू एक्सेस द इंडेक्स ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट, देन वी हैव इंडेक्स एट्रीब्यूट। ओके, नाउ इन प्लेस ऑफ इंडेक्स इफ आई यूज, सपोज दैट मेरे को वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है, सो इन प्लेस ऑफ इंडेक्स डॉट आप क्या स्पेसिफाई करेंगे, वैल्यूज स्पेसिफाई करेंगे। जैसे आपने वैल्यूज स्पेसिफाई किया तो आपकी वैल्यूज क्या थी, 50, 45, 35, 46, जो आपने सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफाई की है ये उनको डिस्प्ले कर देगा। आई होप क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द वैल्यू एंड इंडेक्स, वैल्यूज एट्रीब्यूट और इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं डी टाइप की। देखिए डी टाइप आपका जो सीरीज ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इंडेक्सिंग हो गई, इसके आगे आपने नंबर्स स्पेसिफाई किए हुए हैं, राइट? इसके आगे नंबर स्पेसिफाई किए हैं, तो ये जो आपका सीरीज ऑब्जेक्ट है एस वन, इसने किस टाइप के डेटा को स्टोर किया हुआ है। मैं सीरीज ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम S1 की डेटा टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं S1 ने किस टाइप के डेटा को अपने पास में कंटेन किए हुए है। यदि आप इसकी टाइप फाइंड आउट करना चाहते हो, उसके लिए हमारे पास में जो एट्रीब्यूट है वो आपका D टाइप। देखिए वैल्यूज के बाद में मैंने क्या किया, प्रिंट करवाया, मेरे को फाइंड आउट करना है S1 के पास में किस टाइप का डेटा है, तो हम स्पेसिफाई करेंगे D टाइप। ओके, देखिए आपके पास में इस लिस्ट में किस टाइप का डेटा है, 50, 45, ये सारे इंटीजर टाइप का डेटा है, राइट? सो इसने क्या किया, इंट 64 रिटर्न कर दिया। अब सपोज मैंने यहाँ पर 50.3 कर दिया, अब ये डेटा किस में हो गया, फ्लोटिंग डेटा में कन्वर्ट हो गया। तो अब सीरीज ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक ही टाइप का डेटा अपने पास में रखेगा, सो क्या होगा, ये जो पूरा डेटा है वो ऑटोमेटिकली फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोट में फ्लोट 64 आ रहा है, सो 50.3 45 पॉइंट लगा हुआ है, सो पॉइंट ऑटोमेटिक बाकी सभी नंबर्स के साथ में ऐड हो जाएगा। ओके, सो यदि आपने एक डेटा, यदि न्यूमेरिक फॉर्मेट आपका फ्लोटिंग डेटा है तो बाकी सारे ऑटोमेटिक ही उसमें टाइप प्रमोट हो जाएंगे। एंड इफ यू हैव यूज्ड NaN वैल्यू इन द सीरीज ऑब्जेक्ट, देन आपके पास में यदि सारे न्यूमेरिक डेटा हैं, आपने सारे इंटीजर स्पेसिफाई क्यों ना किए हों, लेकिन वो ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्लोट में हो जाएंगे, क्योंकि NaN की जो डेटा टाइप है वो बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट में लेता है सीरीज ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो आई थिंक डी टाइप क्लियर हो गया होगा व्हाई वी यूज डी टाइप। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेप। सेप एट्रीब्यूट क्या करता है, देखिए सेप एट्रीब्यूट का जो आउटपुट आता है वो हमेशा टपल में आता है। एक चीज़ तो ये हमेशा याद रखना, टपल में आएगा। ओके, अब आएगा क्या टपल के अंदर, उसकी बात करते हैं।
हम यदि सीरीज की बात करते हैं, यहाँ पर एक एंडिम, ये इसकी और बात कर लेते हैं साथ में, एंडिम। हमारे पास भी जो सीरीज ऑब्जेक्ट होता है वो वन डायमेंशनल एरे होता है, तो ये जो एंडिम है ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ये हमेशा वन रिटर्न करेगा, बिकॉज वी हैव ओनली वन डायमेंशनल एरे। सीरीज ऑब्जेक्ट हमेशा वन डायमेंशनल एरे रहेगा, सो ये हमेशा वन रिटर्न करेगा। सेप क्या करता है, आपकी ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट है इसकी साइज, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये वो रिटर्न करेगा इन फॉर्म ऑफ टपल। सो इसके पास में कितना डेटा है, फोर डेटा है, तो इसका जो आउटपुट आएगा, सेप का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, फोर कॉमा, ये आएगा। कॉमा के बाद में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगल डायमेंशनल एरे है। जब हम डेटा फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास में मल्टीपल डेटा रहेंगे, जैसे आपके पास में मैट्रिक्स होगी तो फोर, जैसे 4x3 की मैट्रिक्स है तो 4,3 आ जाएगा, बट इसके बाद में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए यदि हम सेप एट्रीब्यूट की बात करते हैं, सो इट विल रिटर्न नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज ऑब्जेक्ट एंड इट विल रिटर्न, इट ऑलवेज रिटर्न वैल्यू इन फॉर्म ऑफ टपल ओनली। एंड एंडिम क्या रिटर्न करेगा, हमेशा ये वन रिटर्न करेगा। वन क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमारे पास में जो सीरीज ऑब्जेक्ट है वो सिंगल डायमेंशनल है, एक ही डायमेंशन है इसके पास में। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर तो यूज में ले रहा हूँ एंडिम, एंडिम यूज में ले लिया, और यहाँ पर ले लेता हूँ सेप को, सेप राइट। देखिए आउटपुट, देखिए पहले एंडिम का आउटपुट क्या आ रहा है, वन आ रहा है, ये देखिए ये आ गया वन आपका। एंड जो s1.shape है वो 4, स्पेस आ रहा है, मीन्स ये टपल है। ब्रैकेट स्मॉल पैरेंथेसिस हम यूज में किस लिए लेते हैं, टपल्स के लिए यूज में लेते हैं। सो ये क्या रिटर्न कर रहा है, टपल के फॉर्मेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये वो रिटर्न करेगा। अब हम बात करते हैं हमारे पास में जो, देखिए सेप ने क्या किया, टपल की फॉर्मेट में डेटा को रिटर्न किया। अब हम बात करते हैं साइज की, ये जो साइज है ये क्या करेगा, ये आपके पास में इस सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर फोर वैल्यूज हैं, तो साइज क्या करेगा, ये आपको फोर रिटर्न करके देगा। सो इन प्लेस ऑफ एंडिम आई एम यूजिंग साइज, ओके। यदि मैंने साइज यूज में ली तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फोर एलिमेंट्स है, तो इसने क्या रिटर्न कर देना है, फोर रिटर्न कर देना है। यदि आपके पास में 10 एलिमेंट्स है सीरीज के अंदर तो साइज क्या करेगा, आपका 10 रिटर्न कर देगा, ओके। देन साइज की बात में यहां पर देखिए एन बाइट को हमने स्किप किया हुआ है, इसकी बात करते हैं। एन बाइट क्या करता है, आपके पास में जो साइज है वो कितनी है, इसकी साइज कितनी है, फोर है, फोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट राइट। अब इसमें एक एलिमेंट की साइज कितनी है, यदि फ्लोटिंग डेटा है तो, यदि इंटीजर डेटा है फिर फ्लोटिंग डेटा है, तो वो कितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 8 बाइट का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो 4 × 8 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, यानी कि इसको कितनी मेमोरी रिक्वायर है, 32 बाइट्स में मेमोरी रिक्वायर है। सो एन बाइट एट्रीब्यूट हम यूज में लेते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं इसको, इन प्लेस ऑफ सेप आई एम यूजिंग एन बाइट, एन बाइट्स। एन बाइट्स क्या करेगा, आपका जो सीरीज ऑब्जेक्ट है उसको कंप्लीट मेमोरी कितनी रिक्वायर है, 32 बिट्स, ओके, 32 बाइट्स की मेमोरी रिक्वायर है। यदि आपको इसकी टोटल साइज फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हम एन बाइट्स यूज में लेते हैं राइट। देन अब हम बात करते हैं हैज नन, ये जो लास्ट के दो एट्रीब्यूट्स हैं इन दोनों की ओर बात करते हैं, हैज नन्स और एम्पटी। सपोज आपको ये चेक करना है कि आपके पास में ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट है इसके पास में नन वैल्यू है या नहीं है, केवल ये चेक करना है या फिर नहीं है, तो आप क्या करोगे, हैज एन ए एन एस, हैज नन, एंड इट विल रिटर्न आई द ट्रू और फॉल्स वैल्यू। यदि आपके सीरीज ऑब्जेक्ट के पास में नन वैल्यू है तब तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और यदि नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। जैसे इसके अंदर आपके पास में क्या है, नन वैल्यू नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ओके। देखिए इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब यदि आपके पास में इसमें नन वैल्यू है, जैसे मैंने इस 46 की बजाय क्या कर दिया, np.nan कर देता हूँ, ओके। अब ये क्या करेगा, अब ये ट्रू को रिटर्न कर देगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा हैज नन क्या करता है। एंड जो लास्ट एट्रीब्यूट है हमारा वो क्या है, आपका है एम्पटी। क्या आपका सीरीज ऑब्जेक्ट एम्पटी है, यदि एम्पटी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा।
सो इसने फॉल्स रिटर्न किया। यदि हम एम्पटी सीरीज की बात करते हैं, मैं एक बार के लिए इस पूरी सीरीज को एम्पटी बना देता हूँ। आई थिंक आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कवर किया था हाउ कैन वी क्रिएट एम्पटी डेटा सीरीज। सो ये एम्पटी सीरीज हो गई और इसके लिए इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया है। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे कि हमारे पास में जो सीरीज ऑब्जेक्ट है उसके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हमें कैसे यूज में लेना है, किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसमें ये आपका जो पेपर होगा उसमें एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी आएंगे ट्वेल्थ में। सो वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ कैन वी एक्सेस ऑल द वैल्यूज ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट, हाउ कैन वी फाइंड आउट डेटा टाइप, विच टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर इन द सीरीज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द एन बाइट्स, क्या करेगा आपकी इसको टोटल, इस पूरे सीरीज ऑब्जेक्ट को आपको कितनी मेमोरी स्पेस रिक्वायर है, इन सभी चीज़ों को हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।